मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। दरअसल तितावी पुलिस मुखबिर की सूचना पर धौलरा रोड पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और 15,000 रुपए के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के साथ एक दरोगा को भी गोली लगी है। पुल के नीचे एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी है। और उन लोगों ने मुकदमे पहुँचा तो पता चला कि दोनों बदमाश हमारे यहाँ 15,000 के वांछित थे। एक का नाम शहनवाज शनब सलीम है और दूसरे का नाम अजब सिंह शनब बीरबल है। ये दोनों भैंसा हेड़ी के हैं और दोनों 15,000 के इनाम में। कोई पुलिसकर्मी भी घायल है? हमारे सब इंस्पेक्टर फिलहाल दारोगा और दोनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाशों पर कई थाना क्षेत्रों में दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और पुलिस को इनकी काफी वक्त से तलाश थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से फल कुमार की रिपोर्ट।